कोई घटना होती है तो तत्काल इसको उपलब्ध कराएगा। रुपयों के आगे रिश्ते छोटे साबित हुए हैं। रुपयों की लालच में एक मासूम को मौत के घाट उतार गया। मामला है देवास जिले के हाटपिपरिया का, जहां इस सनसनीखेज हत्याकांड ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि 28 मई को हाटपिपरिया के श्री रामनगर वार्ड क्रमांक 12 में एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक का शव मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस थाना हाटपिपरिया ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के मार्गदर्शन में हत्याकांड की गंभीरता से जांच शुरू की। घटना स्थल पर मृतक के चाचा के मकान के पीछे होने से और मिले सबूतों और जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाना कि इस हत्याकांड में किसी नज़दीकी व्यक्ति शामिल है। संदेह होने पर पुलिस इन्हीं आधारों पर जांच कर रही थी। फिर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक बालक के पिता संतोष ने अपने भाई पूनम चंद पिता लक्ष्मण माली को पैतृक मकान के बंटवारे के 5 लाख रुपए नहीं दिए, जिस कारण पूनम चंद ने रंजिशवश अपने सगे भतीजे की गला घोटकर हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चाचा को धर दबोचा। कार्यवाही में आरोपी चाचा के पास से गला घोटने के साधन भी जब्त किए गए। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। ये दिनांक 28/5/2019 की शाम को करीब 4 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि 13 वर्षीय नाबालिग बालक की लाश उसके घर से कुछ दूर हाटपिपरिया में श्रीराम नगर में पाई गई है, जिसको परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर के आ गए थे। सूचना पर थाने पर मर्ग कायम किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि बालक के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उसी तारतम्य में पीएम के पश्चात डॉक्टर से तत्काल पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि उसका गला घोट करके हत्या की गई थी। इस आधार पर थाना हाटपिपरिया पर अपराध हत्या का कायम करके विवेचना में लिया गया। सर, करीब कितने आरोपी से गिरफ्त हुए? इसमें संपूर्ण विवेचना के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर पधारे और भी जो हमारे वैज्ञानिक एड होते हैं सबसे मदद लेकर के प्रकरण में मृतक के सगे चाचा पूनम चंद पिता लक्ष्मण जी माली निवासी हाटपिपरिया को गिरफ्तार किया है। इसने अपने भाइयों के साथ पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसमें स्वयं को उपेक्षित किए जाने की भावना से ग्रस्त होकर के अपने भाई संतोष के नाबालिग पुत्र की मौका पाते हत्या करके गला घोट करके और उसको अपने घर के पीछे ही सुनसान जगह पर पटक दिया। सर, कोई जब्ती वगैरह हुई है? हाँ, आरोपी से घटना में प्रयुक्त जो साधन जिससे उसने हत्या करी उनकी जब्ती।